चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं, आप स्वागत है आपका इस एड के ट्यूटोरियल में, जिसमें हम ये आपका पार्ट टू है। पार्ट टू में हम जानेंगे एमएस वर्ड के होम मेनू के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया हमने कंप्यूटर। इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे हमारे सामने कट, कॉपी और फॉर्मेट प्रिंटर तीन ऑप्शन हाईलाइट है। तो हमने कट किया, तो कट करने के बाद क्या होता है, हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कट जाता है। और कट करने के बाद हम कहीं भी इसको अलग जगह में पेस्ट कर सकते हैं। इंटर करते चले जा रहे हैं, हम नीचे पहुंच चुके हैं। देखिए हमारा कर्सर यहाँ पहुंच गया है और यहाँ हमने पेस्ट किया, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ से उठ करके यहाँ पे हमारा पेस्ट हो चुका है। अगर हम इसको जितनी बार पेस्ट करेंगे उतनी बार हमारा पेस्ट होता जाएगा। फिर से अगर हमें इसी को इसको रखते हुए साथ साथ में कॉपी करना है, तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यदि पेस्ट किया जाता है तो क्या होता है कि वो जो पेस्ट होता है वो वहाँ भी रहता है और दूसरी जगह भी पेस्ट हो जाता है। ये होता है हमारा क्लिपबोर्ड का ऑप्शन कट कॉपी। अगला ऑप्शन है फॉर्मेट प्रिंटर का। फॉर्मेट प्रिंटर का मतलब होता है किसी भी सजावट को दूसरे स्थान पर पेस्ट करना। तो इसको क्या करना है, आप पहले इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लीजिए। मैं इसमें थोड़ा सा कलर वगैरह ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको कलर चेंज कर दिया और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। बढ़ाने के बाद अब देखते हैं कि इसका साइज और इसका साइज थोड़ा डिफरेंट है, और इसमें कलर लगा हुआ है, इसमें कलर नहीं लगा हुआ। हमने क्या किया, जिस सजावट को आपको अप्लाई करना है उस पर उस फॉर्मेटिंग को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमारे जो माउस कर्सर होगा उस पर एक ब्रश का साइन बन जाएगा। उस ब्रश को आपको जिस वर्ड पे आप अप्लाई कर देंगे वो उसी तरह के तरीके के हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक जैसा हो गया दोनों चीज़ें। ये होता है हमारा फॉर्मेट प्रिंटर। फिर दूसरा ऑप्शन आता है जो ग्रुप होता है, वो होता है फॉन्ट ग्रुप का। फॉन्ट ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन है फॉन्ट चेंज करने का। तो यहाँ पे सारा बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपके फॉन्ट में इंस्टॉल होंगे, वो सारे फॉन्ट्स यहाँ पे शो करते रहेंगे। आपको जो भी फॉन्ट लेना है उस फॉन्ट को यहाँ पे क्लिक कर देना है और वो फॉन्ट आपके वर्ड पे अप्लाई हो जाएगा। देखिए हमने फॉन्ट अप्लाई कर लिया है। फिर दूसरा है यहाँ पे साइज बढ़ाने का। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से आप एक एक करके पॉइंट के आधार पर साइज बढ़ा सकते हैं। यहाँ 72% है, 72 हो गया। फिर यहाँ से है इसको आप डिक्रीज करना है, तो यहाँ पे आप डिक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज करना है मतलब और बढ़ाना है, तो आप और बढ़ा सकते हैं यहाँ से। फिर इसमें एक अगला ऑप्शन होता है बोल्ड का। बोल्ड करने के लिए यहाँ से पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। क्लियर कर लिया, अब यहाँ पे बोल्ड किया तो बोल्ड हो गया हमारा सब, देखते हैं मोटा हो गया है। अगर हमें इटैलिक करना है, तो हमें तिरछा करना है, तो हम इटैलिक भी यूज़ कर लेंगे, तो हमारा शब्द जो थोड़ा तिरछा में आ जाएगा। अगर हमें अंडरलाइन करना है शब्द के ऊपर, तो हम शब्द के ऊपर अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया और नीचे एक लाइन आ गई। यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन होता है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका लाइन का जो भी स्टाइल है, आप लाइन की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। लाइन का कलर भी आप यहाँ से बदल सकते हैं, कोई भी कलर आपको लेना है। तो यहाँ पे ब्लू कलर हमने ले लिया और यहाँ से देखेंगे कि लाइन का कलर हमारे चेंज हो चुका है। अगर हमें इस और अंडरलाइन की जो स्टाइल भी बदलनी है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी स्टाइलें हैं। तो यहाँ पे देखो आपका स्टाइल जो है बदल रहा है। नॉन कर देंगे तो कोई आपकी हेडिंग्स नहीं रह जाएगी, सामान्य हो जाएगा। फिर अगला ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रो का। स्ट्राइक थ्रो का मतलब होता है बीचों बीच से कोई शब्द कट जाए। लिखा हुआ है क्रॉस समथिंग आउट ऑफ ड्राइविंग लाइन थ्रो इट, जिससे हमने क्लिक किया तो यहाँ से क्या हो गया कि वो क्रॉस हो जाता है। बीचों बीच से एक लाइन आ जाती है जो कि उस शब्द को क्रॉस कर देती है। दोबारा आप इसी पे क्लिक करेंगे हट जाएगा। फिर अगला ऑप्शन है H2O यानी कि X2 लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है सब स्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट करने के लिए जैसे हमने लिखा H2 और O, H2O लिखा है। यहाँ पे ये टू को क्या है नीचे करना है, जिसको हम पानी का सूत्र बनाना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया और ये नीचे चला गया। अब हमारा हो गया H2O। अगर हमें X2 लिखना है तो X2 लिखेंगे। फिर टू को हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इस पर सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दिया, तो हमारा ये हो गया X2, यानी कि ये हमारा सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट हो गया। फिर यहाँ से आपका जो ये है सेंटेंस के साथ, जैसे कि हमने लिखा दिशा कंप्यूटर लिखा, यहाँ अच्छा कंप्यूटर लिखा हुआ है, यहाँ पे शिक्षा संस्थान लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा शब्द जो है लिखा हुआ पूरा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे इस पे गया और यहाँ पे सेंटेंस केस लिखा हुआ। सेंटेंस केस में क्या होता है, सारे शब्द होते हैं पहला अक्षर कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है। अगर हमें इसको लोअर केस में कर देंगे तो पहला अक्षर भी स्मॉल में, यानी सारे अक्षर स्मॉल में आपको दिख रहे हैं। अगर हमें इसमें अपर केस कर देंगे तो सारे अक्षर हमारे कैपिटल में हो जाएंगे।
और यहाँ पे अगर कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देते हैं तो हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ पे ट्यूबल केस है, ट्यूबल केस में जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे पहला अक्षर स्मॉल में हो जाएगा, बाकी सारे कैपिटल में हो जाएंगे, तो ये इसको हम बोलते हैं चेंज केस। अगला ऑप्शन है हाईलाइटर का, जो कि शब्द को हाईलाइट करता है, तो यहाँ पे हमने टिक कर दिया तो जो भी कलर आप चाहते हैं उस कलर का पीछे से हाईलाइट हो जाएगा, उसको बोलते हैं हाईलाइटर। फिर यहाँ से अगला ऑप्शन है आपको टेस्ट को कलर करना है, तो टेस्ट को आप कलर कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी कलर आप पहले शब्द को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में यहाँ से टेस्ट को आपको कलर करना है, तो जिस कलर में करना है उस कलर को आप यहाँ चूज कर लेंगे, तो उस कलर में हमारा शब्द हो जाएगा। उसके बाद में अगला और इसमें का फ्रंट ग्रुप का लास्ट ऑप्शन है क्लियर फाउंड, आपने जितनी भी सजावट यहाँ से लेकर यहाँ तक की होगी वो सारी सजावट एक साथ क्लियर हो जाती है। इस वीडियो में बस आज इतना ही, अगली वीडियो में आप इसके आगे वाले ग्रुप के बारे में जानेंगे, इसके लिए देखते रहिए हमारी सारी वीडियो। थैंक यू।